आज हम लोग सीखेंगे प्लेट टाइप अर्थिंग कैसे की जाए, प्लेट टाइप अर्थिंग कैसे की जाती है और प्लेट टाइप अर्थिंग में जो प्लेट प्रयोग किया जाता है वो किस धातु का रहेगा और उसकी लंबाई चौड़ाई क्या रहेगी और अर्थिंग के लिए जो गड्ढा खोदेंगे उस गड्ढे की गहराई कितनी होगी, इन सारे डाउट को आज हम लोग क्लियर करेंगे इसी एक वीडियो में। और आपको एकदम मैं बारीक से बारीक नॉलेज दूंगा इसके बारे में, जिससे कि आप इस वीडियो को देख के अपने अंदर के तमाम डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मतलब तमाम कन्फ्यूज़न को ख़त्म कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अर्थिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अर्थिंग करने के लिए गड्ढे खोदने की ज़रूरत होती है। तो गड्ढा खोदा किधर जाए, तो हम मैं बता दूँ आपको, गड्ढा खोदने के लिए वह जगह आप चूज करिए, उस जगह को चुनिए जहाँ पर नमी ज़्यादा होती हो, मतलब जहाँ नमी ज़्यादा हो उस जगह आप गड्ढा खोदेंगे तो वहाँ पे अर्थिंग और अच्छी होगी। तो अगर मान लीजिए नमी वाली जगह आपके पास है तो वहीं पे गड्ढा खोदिए, और अगर नमी वाली जगह ना है तो आप कहीं पे भी खोद सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो अब उसके बाद चलिए, हमने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे को कितना गहरा खोदना है, तो गड्ढे को आपको 2 से 2.5 मीटर, 2 से 2.5 मीटर आपको गहरा गड्ढा खोदना है, 2 से 2.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदना है। तो चलिए, हमने यहाँ पर 2 मीटर मान लीजिए गड्ढा खोद दिया, ये एक गड्ढा हो गया। अब उसके बाद बात आती है, अब उसके बाद बात आती है कि ये जो हमारा प्लेट होगा वो प्लेट किस धातु का होगा। तो अर्थिंग के लिए 2 धातु का आप प्लेट यूज कर सकते हैं, या तो आप गैल्वेनाइज्ड आयरन मतलब GI आयरन का प्लेट यूज कर सकते हैं, या फिर कॉपर प्लेट का यूज कर सकते हैं। देखिए, जो कॉपर प्लेट होता नहीं, थोड़ा महंगा आता है, और जो GI प्लेट होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट होता है, तो ये थोड़ा सस्ता होता है। एक चीज़ में थोड़ा सा GI को थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए, जो GI है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन है ना, ये एक लोहा होता है, और ये एक ऐसा लोहा होता है जिसमें जंग नहीं लगता है, जिसमें जंग नहीं लगता है, इस लोहे में जंग नहीं लगता है। तो आप GI का भी प्रयोग कर सकते हैं और कॉपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक आप यहाँ पे कॉपर की पट्टी लेंगे, कॉपर, देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना आपको, अगर ये प्लेट आप कॉपर का यूज कर रहे हैं तो इसकी पट्टी भी जो ऊपर लेके जाएंगे ना, जहाँ से तार उठा के अर्थिंग पे लेके जाएंगे, वो भी कॉपर की होनी चाहिए। और अगर ये प्लेट गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज कर रहे हैं, GI का यूज कर रहे हैं, तो इसका जो ये पट्टी है ना, ये भी GI का होना चाहिए, ये भी गैल्वेनाइज्ड आयरन का होना चाहिए, मतलब सेम दोनों होने चाहिए। ये नहीं है कि आप इस प्लेट को GI का लगा दें और जो इसकी पट्टी हो कॉपर का लगा दें, तो ऐसा नहीं आपको करना है। जिसकी प्लेट रहेगी जिस धातु की, उसी धातु की ये आपकी पट्टी होनी चाहिए। तो चलिए, हमने एक कॉपर का प्लेट ले लिया। अब कॉपर का प्लेट कितने बाय कितने का रहेगा, तो मैं आपको बता दूँ, कम से कम इसकी जो लंबाई रहेगी और चौड़ाई रहेगी, ये 1 बाय 1 फीट की रहेगी, मतलब लंबाई भी 1 फीट की रहेगी और इसकी चौड़ाई भी 1 फीट की रहेगी। इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो बेटर है, कम ना हो, मतलब कि 1 फीट बेटर है, आप 1 फीट का यूज कर सकते हैं। तो इसकी 1 फीट लंबाई है और 1 फीट इसकी चौड़ाई है इस प्लेट की। तो उसके बाद फिर हम एक पट्टी ले लिए कॉपर की, ये पट्टी, और यहाँ पे होल दो करके उसमें नट बोल्ट से इसको कस दिए। अब इसको नट बोल्ट से कस दिए इसमें, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, इस प्लेट को ज़मीन पे कैसे रखना है इसको जानिए। मान लीजिए ये हमारे पास एक बुक है, ये नोटबुक केक है, ठीक है ना, ये जो नोटबुक है, ये नोटबुक, अब मान लीजिए एक प्लेट है, इसको मान लीजिए कॉपर का प्लेट, ये जो प्लेट ना, मान लीजिए ये 1 बाय 1 का कॉपर का प्लेट है, अर्थिंग वाला प्लेट है, तो हमको कैसे रखना है, ऐसे रखना है ज़मीन पर, या फिर ज़मीन पर ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, या फिर ऐसे रखना है, ये बताता हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पे देखिए, ये प्लेट सीधा रखी गई है, ज़मीन पे कभी भी अर्थिंग वाले प्लेट को ऐसे नहीं रखना है, मतलब ये मत सोचिएगा कि आप प्लेट को ऐसे चिपटा रख देंगे और यहाँ से एक जो अपना पापर वाली पट्टी रहेगी इसको आप यहाँ बिल्डिंग करा के इसको निकाल देंगे, नहीं, ऐसे करने पर अर्थिंग कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए आपको ऐसे नहीं रखना है। आपको कैसे रखना, ऐसे ऐसे रखना है, आपको इस प्लेट को कैसे रखना है, ऐसे खड़ा रखना है, ये ज़मीन की सतह है ना, तो इस सतह पे आपको ऐसे इसको रख देना है, और यहाँ पे होल दूर रहेगा, वहाँ पे इसको आप
नट बोल्ट से उस प्लेट को कस के ऐसे बाहर निकालेंगे। ऐसे रख करके ये आपका जो कापर की पट्टी रहेगी ये ऊपर सीधा चली जाएगी। देखिए यहाँ पे इस तरीके से खड़े खड़ा इस तरीके से रख दिया गया है और यहाँ से कापर की पट्टी को बाहर ले चले आए। यहाँ पे आप वेल्डिंग भी करवा सकते हैं इस पर आपस में, या फिर इसको ही ड्रिल मशीन से होल करके वहाँ पर नट बोल्ट भी कस सकते हैं। दोनों जो सिस्टम है दोनों सही है, आप वेल्डिंग भी करवा सकते हैं, नट बोल्ट से कस भी सकते हैं। तो चलिए हमने इस तरीके से इसको रखा। अब रखने के बाद हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या चीज़ है? आपको चारकोल लेना है, लकड़ी का कोयला और नमक। कोयला किसका होना चाहिए? लकड़ी का, पत्थर वाला कोयला नहीं लेना है, जो लकड़ी का कोयला होता है उसे लेना है और नमक लेना है। देखिए मान लीजिए 10 किलो आप ले लेंगे, कितना लगेगा ये भी बता देता हूँ। तो आप 10 या 15 किलो नमक ले लीजिए और 10 या 15 किलो आप लकड़ी का कोयला ले लीजिए। अगर लकड़ी का कोयला बड़ा बड़ा हो ना, उसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए, थोड़ा छोटा कर लीजिए। फिर उसके बाद नमक और लकड़ी के कोयले को आपस में मिक्स करिए। आपस में मिक्स करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, इसको उसको जो मिक्स किए हैं ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से, यहाँ पे नमक है और लकड़ी का कोयला मिक्स कर दिया। अब इसको उठा के ला करके आपको इस प्लेट को पहले यहाँ पे ज़मीन पे रख दिए। अब इसके चारों तरफ आप इस पर इन दोनों को उठा करके इस पर रखेंगे। ये क्यों रखा जा रहा है, लकड़ी का कोयला और नमक क्यों इसमें रखा जा रहा है? ये इसलिए इसके आसपास रखा जा रहा है ताकि ये लकड़ी का कोयला और नमक नमी बनाए रखे। ये नमक और लकड़ी का कोयला क्या करता है, ये नमी को बनाए रखता है। जब नमी जितनी ज़्यादा होगी अर्थिंग की प्लेट के पास, उतना ज़्यादा अर्थिंग स्ट्रांग होगी, उतनी ज़्यादा अर्थिंग मजबूत होगी। इसलिए ये जो नमक और कोयला रखा जा रहा है यहाँ पर, चलिए हम इसको अच्छी तरीके से इसको ढाक देते हैं पूरा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ तक ये पूरा परत यहाँ तक आ गई है, पूरा ढकना आपको। और अब एक चीज़ और लगाना है, जो मेन चीज़ है उसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं लगाएंगे फिर बाद में कुछ दिक्कत आ सकती हो। क्या चीज़? पाइप, पानी वाली पाइप। एक पाइप ले लेंगे आप, चलिए इसमें एक पाइप डालते हैं पहले, इसी कापर प्लेट के ऊपर ला के इसको छोड़ेंगे पाइप को। एक्स्ट्रा पाइप इसमें डालेंगे। पाइप क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि इसमें पानी डालने के लिए, कभी मान लीजिए 10 साल 15 साल 20 साल में कभी अगर डाउन हो जाती है अर्थिंग थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, तो आप गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से पानी डालेंगे, यहाँ पे पानी पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे एक पाइप इसने हमने डाल देना ऊपर से कापर प्लेट के ऊपर। अब इसको पूरा नमक कोयला से इसको ढक देना है। चलिए इसको हम ढक देते हैं। तो ये पूरे प्लेट को आपको इसको ढक देना है नमक और कोयले की सतह से। तो चलिए हमने इसको पूरा देखिए इस तरीके से, आपको इस प्लेट के ऊपर भी 2 इंच 2.5 इंच ऊपर हो जाना चाहिए कोयला और नमक। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरीके से इस प्लेट को अच्छे से ढक दिया नमक और कोयले से। अब उसके बाद इस पर पानी का छिड़काव करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? पानी का छिड़काव, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, पानी का सिर्फ छिड़काव करेंगे ताकि थोड़ा इसमें नमी बन जाए, अच्छी तरीके से भीग जाए बस। ये नहीं कि बहने नहीं लगे, मतलब ये भीग जाए। तो मान लीजिए अब इसमें पानी का छिड़काव कर दिए और ये थोड़ा गीला हो गया, अच्छा हो गया। अब उसके बाद जो मिट्टी निकली हुई है, इससे जो मिट्टी निकली हुई है वो मिट्टी आपको इसमें डालना है। अब वो मिट्टी पूरा भर देना है इसको मिट्टी से, इसको आप पूरी तरीके से पैक करना है अब आपको। चलिए हम इसको पहले गड्ढा भर देते हैं, पूरे गड्ढे को भर देंगे आप। भरते हैं फटाक से इसके गड्ढे को। तो यहाँ पे जितने भी मिट्टी सब थी सबको इसको ये गड्ढा जो हमारा ये पूरी तरीके से पैक कर रहे हैं। तो आपको पूरा इसको पैक कर देना है। देखिए ये पाइप में जा रहा है, यहाँ पे फिगर में पाइप में नहीं जाना चाहिए। फिलहाल पाइप में तो आप मिट्टी डालेंगे तो नहीं जाएगा, लेकिन ये फिगर गलत हो जाएगा आपका। तो ये पूरी मिट्टी हमने इसमें भर दिया। तो ये सारी मिट्टी यहाँ पे अब भरा चुकी है, जो भी निकली थी गड्ढा पूरी तरीके से पैक हो गया। अब ये ख़त्म, अब हमारे पास मिल जा रहा है सिर्फ ये पाइप एक और एक ये जो कि इसकी पट्टी है, कापर की पट्टी है। ये देखिए कापर की पट्टी एक निकल गई है बाहर और एक पाइप हमारी निकली, जो कि कभी पानी अगर इसमें अर्थिंग कमज़ोर होगी तो फिर इसमें हम पानी डाल देंगे इसके ज़रिए से। अब ये क्लियर हो गया।
अब तार जो हमारे ग्रीन कलर का वायर होगा ना, जो ग्रीन कलर का वायर, उस ग्रीन कलर का वायर अब यहाँ पे यूज किया जाएगा अर्थिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए जो सॉकेट में होता है ना, राइट साइड में फेस का होता है, लेफ्ट में न्यूट्रल होता है, ये इधर उधर भी हो सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। और ऊपर का जो होता है ना, ये अर्थिंग का होता है। यहाँ पे देखिए अर्थ का निशान बनाया गया है, तो ये ऊपर जो बड़ी वाली होल होती, बड़ा वाला होल होता है ना, ये अर्थिंग का होता है। तो बड़ा वाला होल किसका होता है? अर्थिंग के लिए होता है। इसमें ले जाके अर्थिंग को इन कर दिया जाता है और इसमें न्यूट्रल दाएं बाएं वाले पे, दाएं वाले पे फेस, या इसमें दाएं बाएं हो जाए न्यूट्रल फेस कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अर्थिंग वाला ऊपर है। ये गांव में लोग छोड़ दिया करते हैं, बहुत कम इसका यूज करते हैं, थोड़ा इसमें खर्चा आता है ना, इसके लिए लोग इसका कम यूज करते हैं, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है ना, फायदा बहुत बड़ा है। फायदा ये है, कभी आपके रेफ्रिजरेटर में कभी कभी झंझनाहट से आती है, उसमें करंट ऐसा लगता है झुंझुनी मार रहा है, तो मतलब ऐसा लगता है कि करंट मार रहा है, झुंझुनी पकड़ रहा है ऐसा लगता है, कभी कभी तेज मारने लगता है, तो वही हवाई करंट जो होता है ना उसको खत्म कर देता है ये अर्थिंग। जब इसमें जाके जुड़ जाएगा ये, अब इसमें से एक तार देखिए पहले जोड़ लेते हैं, यहाँ पे भी तार यहाँ से देखिए इसमें डाल देंगे और ये तार इसमें नट बोल्ट से इसको कस देंगे अच्छी तरीके से, इसमें जोड़ देंगे बस। मतलब एक इसमें होल मारे रहेंगे नट बोल्ट में, इसके वायर को लपेटेंगे, नटवा जो बोल्टवा रहेगा उसको इसी में कस देंगे अच्छी तरीके से। जब इसको अच्छी तरीके से कस देंगे तो ये पूरा ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पे लूजिंग नहीं छोड़ना आपको, एकदम टाइट हो गया। अब यही तरवा उठा के ले जाकर जो भी हमारा अर्थिंग से तार जितने भी सॉकेट रहेंगे ना बोर्ड से, उससे एक अर्थिंग का तार सब जोड़े रहेंगे, तो एक तार मेन तार आया रहेगा जो लास्ट में, तो उसी पे ला के इसको जोड़ देंगे। मतलब जितने भी 5 पिन 3 पिन सॉकेट रहेंगे ना, उसमें से एक एक तार उठा के लेके सबको आपस में कॉमन कर देंगे, जोड़ देंगे, और फिर यही अर्थिंग या किसी में जोड़ देंगे, जो आपके पास बड़का वाला जो हलवा रहेगा उसमें, उसी पे जाके वो चला जाएगा। तो अब जब इस पे आके जुड़ गए, जब यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इस पे जुड़ेगा तो इसमें आ करके जो प्लग लगाए रहेंगे, देखिए अब मान लीजिए हम छोटा सा यहाँ पे रेफ्रिजरेटर बना देते हैं, फ्रिज बना देते हैं, इस फ्रिज से एक प्लग निकला हुआ है, ये 3 पिन प्लग, तो चलिए हम 3 पिन प्लग इसका इसी में डाल देते हैं। ये 3 पिन प्लग इसमें चला गया ना, अब देखिए इसका कमाल, अब देखिए कमाल, ये जो मोटी वाली जो होल है, मोटा वाला होल, इसमें इसका बड़ा वाला होल, इसका बड़ा वाला पिन इसमें चला जाएगा प्लग का, तो इससे ये अर्थिन वाला एक तार होकर के इसके बॉडी में टच रहता है, इसके बॉडी में टच रहता है, और बाकी न्यूट्रल फेस इसके अंदर चले जाते हैं, इससे ये काम करता है। अब जो अर्थिंग वाला ये तार है, ये तार जो अर्थिंग वाला इसके बॉडी में टच है, ये अभी कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन न्यूट्रल फेस जो गया वो फ्रिज को चला रहा है, रेफ्रिजरेटर को चला रहा है। अगर किसी वजह से इस पे हवाई करंट आता है ना, कोई करंट आता है, तो इसी तार के जरिए से इसके बॉडी में जैसे कोई करंट आता है, तो इसी तार के जरिए से मोटे वाले होल पे आएगा, और मोटे वाले होल से होकर के सीधा ये ज़मीन में चला जाएगा, आपको करंट नहीं लगेगा। और अगर मान लीजिए फुल करंट आ जाता है, ये फेस वाला तार इसके बॉडी में टच हो गया, तो एकदम फुल करंट आ जाएगा ना, तो जब फुल करंट इस पर फेस वाला आएगा, पहले तो ये न्यूट्रल इस पर कनेक्ट है ना, मतलब न्यूट्रल मतलब ये अर्थिंग न्यूट्रल लेगा ना, तो ये अर्थिंग इस पर कनेक्ट है, और अगर फेस वाला भी इस पर, अगर फेस वाला भी इसके बॉडी पे टच हो जाएगा तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका जो फ्यूज है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा, या MCB ट्रिप हो जाएगी, जिससे कि आपको करंट लगने से आप बच जाएंगे। अगर यही अर्थिंग नहीं करवाए रहेंगे तो इस पर फेस वाला तार आया हुआ है, आपको पता थोड़ी नहीं है कि इस पर सप्लाई दौड़ रही, जैसे ही फ्रिज पर हाथ रखेंगे इतनी जोर करंट लगेगा, तो फिर आप फिर दोस्त उसको दोबारा छूने के लिए भी नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इसको अर्थिन कर दिया जाता ताकि इसमें कभी हवाई करंट, देखिए फ्रिज वॉशिंग मशीन इन सब में जो है ना कि हवाई करंट आता है, कभी कभार करंट लगता है, जबकि वो हवाई होता है, वो जो हवाई करंट होता है, वो हवाई करंट इस अर्थिंग के जरिए से ज़मीन में चला जाता है, अर्थिंग की गई होती है, और फिर उसके बाद आपको करंट नहीं लगता है। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, पीछे वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि अर्थिंग कैसे काम करती है, तो अर्थिंग कैसे बनाई जाती है ये आज की टॉपिक है। तो अब यहाँ पे अर्थिंग बन चुकी है, कंप्लीट हो गई है, अब यहाँ पे आके जुड़ जाएगी इस पे पॉइंट, ठीक। अब यहाँ पे आप कभी किसी वजह से इसमें नमी कम होती है और अर्थिंग कमज़ोर हो जाती है, तो फिर आपको यहाँ से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। इसमें जैसे ही पानी डालेंगे तो फिर ये सीधा आ जाएगा आपके कोयले और नमक पे, मतलब ये पूरी तरीके से गीला हो जाएगा, फिर से अर्थिंग मजबूत हो जाएगी। तो और आपको अर्थिंग अगर ये चेक करना है कि हाँ अर्थिंग प्रॉपर हो गई कि नहीं हमारी, तो आपको करना क्या, जो फेज वाला तार, देखिए आपको एक बल्ब लेना है, या बल्ब से मत चेक करिए, अब ज़्यादा बेटर पड़ेगा कि आप ले लीजिए एक मीटर,
बल्ब से चेक कर सकते हैं। बल्ब मतलब क्या है कि चलिए बल्ब से चेक करा देते हैं। एक को इसके फेस वाले पे इन कर दीजिए साकेट में, मतलब फेस वाली सप्लाई दीजिए, और न्यूट्रल की जगह पे इसको अर्थिंग वाले सप्लाई इसको यहीं पे जोड़िए। अगर ये बल्ब पूरा ग्लो होता है जितना कि हमारा न्यूट्रल फेस से ग्लो हो रहा है, न्यूट्रल फेस से भी जला के देख लीजिए लाइट ठीक ठाक रहे तो उतना अगर जितना जल रहा है उतना ही अगर यहाँ पर रखने के बाद और फेस पर रखने के बाद जलता है तो ये अर्थिंग हमारी प्रॉपर अर्थिंग है। या फिर अगर मीटर से चेक करना चाहते हैं तो मीटर से वोल्टेज चेक कर लीजिए। अगर ये 200 से प्लस वोल्टेज आ रहा है, मतलब एक इस पर मीटर का रखिए वोल्टेज पर सेट करने के बाद एसी वोल्टेज पर, एक इस पे रखिए प्रोब उसका, और एक फेज वाले पे रखिए, तो यहाँ पे जो मीटर में आपका वोल्टेज बताना चाहिए ना 220 230 वोल्टेज के आसपास में बताना चाहिए। तो अगर इतना आता है तो ये अर्थिंग प्रॉपर है, अगर इतना नहीं आता है तो कमज़ोर है। मतलब इतना कुछ करने के बाद तो अर्थिंग कमज़ोर नहीं रहेगी, मजबूत ही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टेस्ट कर लेंगे कि अर्थिंग कमज़ोर है कि मजबूत है, और कम अगर कमज़ोर लगे कभी कुछ साल के बाद तो इसमें आप पानी डालेंगे फिर चेक करेंगे तो फिर ये अर्थिंग मजबूत आपको नज़र आएगी। तो इस तरीके से हम प्लेट टाइप अर्थिंग करते हैं इजीली तरीके से, और इसमें इतने बाई इतने का ये प्लेट वगैरह लगाते हैं और इस तरीके से टेस्ट करते हैं। और इस वजह से इसलिए, और ये क्यों अर्थिंग की जाती है ये भी मैंने आपको बता दिया, इसलिए हम ये सब अर्थिंग करते हैं। और अब हम और आगे जानेंगे, आगे वाली कोई वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि पाइप टाइप अर्थिंग कैसे की जाती है। ये तो प्लेट टाइप हुई ना, एक पाइप टाइप अर्थिंग होती है, उससे पाइप को डाला जाता है, फिर उसमें नमक कोयला वगैरह डाला जाता है, फिर उससे अर्थिंग की जाती है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। तो बस आज के लिए इतना ही।